लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है और इसी कड़ी में आईटीआई पांडुनगर में कर्मचारियों से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आईटीआई गेट पर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि लोगों को नई पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं है और ऐसे में वो लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही आठवें वेतन आयोग को भी गठित करने की मांग की गई है और कर्मचारियों ने कहा कि इन दोनों मांगों को लेकर 11 फरवरी को गांधी प्रतिमा फूलबाग पे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान गांधी प्रतिमा से लेकर कर्मचारी कलेक्ट्रेट जाएंगे और पीएम और सीएम को संबोधित ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली और आठवें वेतन आयोग को गठित करने की मांग की जाएगी। आज हम लोग पुरानी पेंशन और आठवें वेतन आयोग को लेकर एक गेट मीटिंग करी है क्योंकि हमारा एक बृहद कार्यक्रम 11 तारीख को फूलबाग में होगा जिसमें कि हम लोग फूलबाग से लेकर माननीय जिला अधिकारी के कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे और अपनी मांगों को जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को प्रेषित करने का कार्य करेंगे। हमारी प्रमुख मांगों में है पुरानी पेंशन और आठवें वेतन आयोग का गठन।